Okay, student, today we are going to start our new topic, that is quadratic equation. Okay, you have already studied about the equation, linear equation and the polynomials. So in general way we can say a polynomial with a degree 2, okay, equating to 0 is our quadratic equation. और इसको और सिंपल वर्ड में समझना चाहें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ इक्वेशन जिसमें वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट या टॉपेस्ट डिग्री इज 2. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. ये सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन है. इट इज हैविंग ओनली वन वेरिएबल एंड द हाईएस्ट पावर या डिग्री है 2. So we call it as quadratic equation. इसमें सबसे important बात याद रखेंगे कि a should not be 0. a should not be 0 मतलब ये x square के साथ जो भी term होगी यहाँ constant होगा, numerical coefficient होगा, ये 0 नहीं होना चाहिए. It can be anything. तो a की value 1 to लेके it can be anything. It can be negative, it can be positive, it can be in fraction, but it should not be equal to 0. ये एक mandatory condition है. तो this is the standard form of a quadratic equation. A quadratic equation has at most 2 roots. At most 2 roots मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 roots होते हैं. It cannot have more than that. Okay? So अगर हम उस roots को assume कर रहे हैं कि let alpha and beta be the 2 roots of the quadratic equation. हम मान लेते हैं कि alpha and beta are the 2 roots of quadratic equation. ये standard term है जो use किए जाते हैं. तो sum of the roots कितना होगा? Alpha plus beta is equals to minus b by a. Minus यहाँ से मिलाएंगे. b की value उसके आगे minus sign लगाएंगे formula का. Upon में a. a means a. Clear? And then they are telling the product of roots. तो product of roots again alpha into बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया अल्फा इनटू बीटा. फॉर्मूला होगा सी अपॉन ए. सी क्या? ये कांस्टेंट सी. ओके, अपॉन ए. ए यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा वो आ गया. तो ये हो गया. अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है. अगर हमारे पास रूट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में और उन्हें कह दिया कि इक्वेशन बनाओ, या ये हमें हेल्प करेगी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के थ्रू अगर सॉल्व करना पड़ा, देन ऑल्सो दिस इज गोइंग टू हेल्प अस. नाउ सी व्हाट इज देयर. इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0. तो बीच में सम ऑफ रूट्स आता है, यानी हम इसको दूसरी तरह से अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं. एक्स तो हमने जो वेरिएबल लिया है वो, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0. एक स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन है. इस तरह के हम कितनी इक्वेशंस बना सकते हैं? तो वी कैन हैव हियर सम रियल नंबर, अगर हम उसको मान लेते हैं के, तो हम इस तरह की इनफाइनाइट इक्वेशंस बन सकती हैं. क्लियर? तो हम उसके लिए एक रियल नंबर के बाहर ले लेते हैं. बट ये जो अंदर वाला पार्ट है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये हमें सॉल्व करता है, हेल्प करता है टू सॉल्व दी इक्वेशंस. आई होप कंसेप्ट इज क्लियर. यू माइट ऑलरेडी बी नोइंग दैट, बट एक रफली वी हैव रिवाइज्ड बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर. दोज हु डोंट नो दे कैन नोट डाउन द थिंग्स वेरी प्रॉपरली. क्लियर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसेप्ट क्लियर एवरीवन?